जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दो तो गला खराब है तो मैं वीडियो थोड़ी लेट बनाई है, क्योंकि खांसी मेरी जान ही है। हर सर्दी मेरे को खांसी और गला खराब रहता ही रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनता। वो शेखी भाई जी पर आदत है कि टी शर्टें पहनने की, तो वो ना सर्दी लगी जाती है हर बार। जब तक बंदा बीमार नहीं होता, कुछ सीखता नहीं, तब तक वो कुछ पहनता ही नहीं। तो मैं अब भी नहीं पहन रहा, खैर खांसी है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वो दे देता, कहता है एक अचानक शॉर्ट दे देता, शौक कहते थे तो उसमें। लेकिन एक मेरे से वो भूल चुक हो गई थी, मैंने कहा था 95 में मैंने मोबाइल का काम शुरू किया था। मेरे माइंड में ही रहता 95 में मैंने अपने पापा के साथ काम स्टार्ट किया था, मतलब पापा के साथ बिजनेस में लग गया था। मैंने जो काम शुरू किया था वो 2007 में किया था, मोबाइल का काम शुरू 2007 में। तब पुराने मोबाइल आते थे सैमसंग वगैरह के, तो वो ठीक करता था। 2007 में मैं सीख के आया था काम, और तभी शुरू किया था मैंने, क्योंकि 95 में और 2007 में काफ़ी फ़र्क बैठ जाता है डिफरेंस। तो कई बार क्या, वो बंदा जल्दी जल्दी बोलता, ध्यान नहीं रहता। जब मैंने अपनी वीडियो चेक करी, मैंने कहा यार ये तो मैंने गलत बोल दिया, लेकिन अब क्या मेरे को एडिटिंग नहीं पता थी कैसे होगी, उसे कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ वॉइस को वहाँ पर। फिर मैंने ज़्यादा पंगा लिया नहीं, मैंने कहा दो तीन बंदों ने फालतू बोला भी है उल्टा सीधा कि यह बंदा फुद्दू बना रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं, आपको होता है वीडियो में जो बनाता हूँ मैं रियल ही बनाता हूँ। तो दोस्तों, बातें खत्म करते हो, आज आपकी वीडियो आपको बताऊँगा मैं हमारे न्यू ईयर में और हमारा क्रिसमस में हमारा स्टेशनरी आइटम क्या बिकेगी, क्या हमारा सेल होगा, हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा, हर चीज़ ढंग से बताता हूँ आपको। हमारी सेंटा क्लास की काफ़ी आइटमें बिकती हैं, हमारे जो गिफ्ट होते हैं जो उसमें जाते हैं स्कूल में जो जाते हैं उसे गिफ्ट कहते हैं, छोटे छोटे टॉयज होते हैं, तो सब आइटम आपको दिखाऊंगा, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली आइटम है हमारी काइट पेपर। ये होता है काइट पेपर, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही नाजुक, मतलब ये लाने लाने में कई बार फट जाता है कोने। देखो इसके कल लाए हूँ कैसे हो गए इसके कोने, बहुत आराम से और ध्यान से लाना पड़ता है, फट ही जाते हैं लाने लाने में, फट जाता है तीन का। तो बहुत ही आपको होता है कागज़ की तरह पतला होता है, काइट होती है पतंग, तो इसी से बनते हैं, इसको काइट पेपर बोला जाता है। तो ये काइट पेपर अब क्रिसमस और न्यू ईयर का क्या होता है, न्यू ईयर का मैं आपको बता दूं बहुत ही कम आइटम बिकती है, कुछ आता होता नहीं किसी ने, या तो स्कूल में डांस वगैरह हो गया, उसका कंपटीशन हो गया, ठीक है उसको फिर भी कुछ बता दूंगा क्या था हमारों का। फिलहाल क्रिसमस का बता देता हूँ। ये होता है काइट पेपर, ये झालर बनाने के लिए काम आता है, आपको पहले ही बता रखा है, और भी कॉम्पिटिशन में चलता बहुत कम है, कॉम्पिटिशन में काम आता है स्कूल के, लेकिन चलता बहुत कम है, मैं आपको पहले बता दूँ। इसके ज़्यादा पीस मत लाएँ, इसके स्टार्टिंग में 10-10 पीस लिए हैं तीनों के, मैं तो खैर 20-20 लाया हूँ, आप 10-10 लिए हैं क्योंकि इसमें बच भी जाएंगे, मुझे पता 20-20 में। और इसका रेड और ग्रीन ज़्यादा चलता है, मैं बता दूँ कहीं आप बहुत सारे उठा लो, इसमें रेड और ग्रीन ज़्यादा चलता है। मैं येलो भी लिया था कि एक आधा कलर थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, कई बार बंदा मांग लेता है, तो आप ये तीन कलर ले आइए, रेड ग्रीन और येलो के, ये काइट पेपर होता है। कहीं जगह काइट पेपर नहीं मिलता, कई बार दुकानदार कहता है या काइट पेपर मिला नहीं, उसके लिए भी आपको दूसरा ऑप्शन मैं बता देता हूँ। काइट पेपर दूसरा ऑप्शन होता है ये वाला पेपर, देखिए इस तरह की, एक तो पहले आपको दिखा दूँ क्या पेपर, ये देखिए ये ओरिगेमी शीट है, मैंने आपको बता रखी है, ये भी लानी है आपने अगर आपके पास नहीं है। ये 20 रुपये सेल की होती है ओरिगेमी शीट, और ये होता है छोटा काइट पेपर मान लो एक तरीके का। अगर आपको काइट पेपर नहीं मिलता तो स्टेशनरी शॉप पे एक तो ओरिगेमी शीट और एक इस तरह का, उसे दिखा दो पैकेट स्क्रीनशॉट लेके, इसको कुछ बोलना नहीं जाता, बस छोटा पैकेट देख देना कि ये 10 रुपये सेल का पैकेट होता है, ओरिगेमी शीट आपकी 20 रुपये सेल होगी, ये आपका 10 रुपये सेल होगा। इन दोनों में आपको थोड़ा फ़र्क भी बता देता हूँ, क्योंकि कस्टमर कई बार आपसे फ़र्क पूछेगा, भैया ये 20 का ये 10 का इसमें फ़र्क क्या था, तो आपको पता होना ये फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो ये थोड़ा हार्ड होता है, ये बिल्कुल पतला होता है काइट पेपर की तरह, और ये थोड़ा सा मोटा होगा हल्का सा इससे, ठीक है। और अगला डिफरेंस एक और बता देता हूँ इसमें मैं, और अगला डिफरेंस होता है इसके कलर का, इसके कलर थोड़े अलग होते हैं, इसके कलर थोड़े इससे बहुत अलग होंगे और बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल साफ सुथरे से एकदम चमकते, मतलब बढ़िया वाले एकदम बिल्कुल फ्रेश। और ये होगा थोड़ा डल क्लास, थोड़े डल कलर, तो ओरिगेमी शीट ज़्यादा चलती है, चलता कम है, लेकिन अगर आपको काइट पेपर नहीं मिल रहा तो ये भी बिक सकता है। तो मैं दोनों ही वैरायटी आपको रखनी है, ओरिगेमी शीट भी और ये भी, ये 10 रुपये का सेल होगा, ये 20 रुपये का सेल होगा। फिर अगले आइटम आते हैं बैलून, ये मैं आपको बार बार बताता भी हूँ। ये क्या होता है न्यू ईयर में, जैसे आपके ट्यूशन वगैरह में जो बच्चे पढ़ते हैं तो पार्टी कर लेता है, उन्हें छोटे बैलून थोड़े बहुत ही चाहिए होते हैं, या स्कूल में थोड़ा कॉम्पिटिशन हो गया उसमें चलते हैं, प्रैक्टिकल में भी चलते हैं कई बार। तो क्रिसमस के लिए भी क्या होता है, बच्चा पैसे मिला के सामान लेके जाते हैं, कई बार होता है ना स्कूल में क्रिसमस, तो क्रिसमस के लिए फंक्शन होता है, उसमें पैसे मिला मिला के सामान लेके जाते हैं,
तो कई ये बच्चों खेलने के लिए भी लोग मांगते हैं भैया छोटा बैलून का पैकेट दे दो, तो ये 15 रुपये तेल का बैलून का पैकेट है, ये लाना है आपने। ये देखिए ये 12 महीने ही रखना है, इतने के मैं क्रिसमस के लिए दिखा रहा हूँ, ये 12 महीने ही रखना है आपने। ये देखिए 15 रुपये तेल का बैलून, और बैलून जब भी ले चेक करके ले कि ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि पुराना होता है वो चिपका हुआ रहता है आपस में और ख़राब निकलता है, तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। बैलून का पैकेट ले, देखिए सब अलग अलग है थोड़ा सा ना, जब भी आप बैलून लेना उसको हाथ मार के देखिए कि थोड़ा अलग अलग है ना, ये ऐसे अलग अलग आपको पड़ाव दिख जाएगा और चिपका हुआ अलग दिख जाएगा आपको, तो ये चीज़ चेक करके लानी है बैलून में, वरना आपका लॉस हो सकता है। और एक बात, काइट पेपर ऐसा होता है, ग्लेज पेपर ऐसा होता है शाइनिंग वाला, एक तरफ से वाइट होगा और शाइनिंग होगी, ये दोनों तरफ से कलर वाला होगा और बिल्कुल पतला होगा काइट पेपर, कहीं आप गलती से ले आओ, क्योंकि ये होगा ग्लेज पेपर, ये होगा काइट पेपर, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आपको सामान के साथ उसकी नॉलेज भी दूँ, क्या चीज़ ख़राब है, क्या सही है, क्या लेनी है, क्या नहीं लेनी, तो आपको डिटेल में हर चीज़ बता रहा हूँ। और आम रूटीन में बैलून आप रख सकते हो, ये 50 सेल वाला 60 लिख के मैं से 50 का 55 का सेल करता हूँ, 50 का ही सेल करता हूँ, 60 का तो नहीं, और इसमें 30 रुपये वाला पैकेट भी आता है कम वाला, तो वो भी बिक जाते हैं, ऐसे नहीं कि यही बिकेंगे 15 वाले, तो ये भी बिक जाता है। बैलून तो एक आम चीज़ है बिकने की, बच्चे लेते ही रहते हैं, तो बैलून के मिक्स वाले लाएँ, ये सिंगल कलर ना लाएँ, ये तो मैं बर्थडे का सामान बेचता हूँ तो रखे हुए हैं, वरना जब भी लाएँ ये मिक्स कलर लाएँ, इस तरह के मिक्स, और चेक करके लाएँ कि चिपके बनाओ आपस में। तो दोस्तों एक तो होते हैं इस तरह के स्टिकर्स, ये देखिए ये वाले बिकते बहुत कम हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा ले आओ, एक लिमिट में लाना, बहुत ज़्यादा ना लाना, ये इस तरह के हो गए, काफ़ी आते हैं तो थोड़े बहुत लाना, एक एक पत्ता इनके, एक एक पत्ते 5 रुपये 6 रुपये सेल के होते हैं, 5 रुपये सेल के, ये देखिए, तो एक एक पत्ता ही लाना इनका, ज़्यादा ना लाना, बहुत कम बिकते हैं, ये लाना पड़ेगा लेकिन लाना थोड़ा सा ही। फिर आते हैं इस तरह के, ये देखिए ये जो है पूरे पूरे पैकेट लाए, पूरे पैकेट मत लाना, ये 20 से 25 रुपये 30 रुपये से सेल होता है, 20 का ही सेल कर देता हूँ मैं। तो अब क्या होता है माल, ये देखो मैं पिछले साल का ही दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी बहुत माल बचा था, क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, इसलिए आपको पहले फुल डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको लॉस ना हो। ये एक एक ही लाना लड़ी, इसमें 5-6 पीस होते हैं, फिर ये हो गया जैसे मैंने पूरा पैकेट लाया, इसमें अलग अलग है, अगर पूरे पैकेट में अलग अलग भी है ना तो भी मेरे बिक नहीं थे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ है क्या अलग अलग, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं है अलग वाले से मिक्स वाले, खोल के देखता हूँ। एक ही जैसा डिज़ाइन है, पिछली बार लाया था, और इसमें गिनते हैं कितने बिके थे, मेरे को ध्यान नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, मतलब पूरा का पूरा पैकेट मेरा झूका तू पड़ा, एक भी नहीं बिका। तो इस तरह की वैरायटी भी खुले में 2-3 पीस लिया ना, पूरा पैकेट मत लाना वरना बच जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम बिकता है, क्रिसमस का इतना नहीं बिकता, लेकिन जो इसमें बिकेगा वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ड्रेसें भी मेरी पड़ी हैं, ये देखिए ड्रेसें बिकती हैं, ड्रेसें बिकती है, लेकिन उससे ज़्यादा माल बच जाता है, ठीक है। अगला ये देखिए इस तरह के ग्लिटर, ये देखिए इस तरह के, जैसे दिवाली के होते हैं ना, ये देखिए क्रिसमस ये लिखा, ये देखिए इस तरह का क्रिसमस, तो ये भी जैसे दिवाली के आते हैं इस तरह के ग्लिटर शीट आते हैं, लेकिन ये भी पूरा का पूरा पैकेट ही पड़ा है जूका तू। अगले आइटम होगी ये वाला पैकेट, ये देखिए ये भी पूरा पूरा पैकेट पड़ा है जूका तू, एक भी नहीं बिका था, पूरा पूरा सील पैक। तो अगर ये वाला लाओ ना तो खुले में लाना, इसको पैक पैकेट मत लाना, इसमें अलग अलग कलर के काफ़ी निकलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा माल लाओगे तो माल क्या होगा, जितना आप बेचोगे उससे ज़्यादा आपका रुक जाएगा, तो लाओगे तो स्कूलों में मंगाते हैं थोड़े बहुत, अब क्या होता है क्रिश्चन होते हैं जगह जगह, लेकिन इस तरह तो नहीं है ना कि दिवाली का है बहुत ज़्यादा चल रहा, क्रिसमस का थोड़ा बहुत ही चलता है, लेकिन कई दुकानदार तो रखते भी नहीं है होलसेलर। तो ये आप थोड़े थोड़े ही लाना, पूरे पूरे पैकेट मत लाना 10-10 पीस के, इनमें 2-2 3-3 4-4 इतने पीस लिया हो बस, ज़्यादा मत करना, फिर संभाल के भी रखो, चूहे को उतर जाते हैं फिर क्या अपने का प्रॉफिट ही नहीं होता, जितना माल डालो उससे ज़्यादा लॉस में चले जाता है फायदे की जगह, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इस तरह के आइटम, ये आइटमें बिकती है, अब मैं बता दूँ ये आइटमें बहुत कम बिकेंगी, अब मैं दिखाऊंगा बिकने वाले आइटम, ये देखिए इस तरह की, ये थर्माकोल होता है उसके ऊपर कवर चढ़ाता है, ये इस तरह की 5-5 रुपये पीस बिकता है, ये घंटियाँ बिकती है आपकी, स्कूलों में जाता है आर्ट का वो सारा कॉम्पिटिशन की जो बनाते हैं ना ट्री वगैरह, उसके लिए बच्चे लगाने के लिए काफ़ी सारा लेके जाएंगे। ये देखिए बॉल्स, ये बड़ी होगी इसमें छोटी भी आती है, गोल्डन भी आते हैं, सब मिक्स करके लाए, ये बॉल्स होगी थर्माकोल की, ये देखिए ये वाली बॉल्स, मतलब इसमें ये चीज़ें बहुत चलेंगी आपको बताओ, जो मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़ें बहुत चलती है, आपको बहुत डिज़ाइन मिलेंगे अपने हिसाब से, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जरूरी जो मैं दिखा रहा हूँ ये लेने से, बहुत चीज़ें आती है। ये देखिए ये मिक्स वाला पैकेट आ गया, ये पैकेट भी बिकता है, इसमें लूज वाले भी आते हैं और ये पैकेट भी बिकते हैं, ये 80 रुपये लिखा है, ये मैं 60 रुपये का सेल किया था, 60-70 आप सेल कर सकते हो आराम से हो जाएगा ये। ये इस तरह की बैल होगी घंटियाँ, जैसे अभी आपको मैंने ये छोटी दिखाई है ना गोल्डन में, ये इससे बड़ी इस तरह की होगी, ये चीज़ें बहुत बिकती है। एक हो गया सेंता क्लॉज, ये छोटे छोटे देखिए, ये सेंता क्लॉज आपको बहुत तरह की वैरायटी में मिल जाएंगे, जैसे ये छोटे में कलरफुल है,
सारे मिक्स कलर है इसके अंदर। इसमें खाली रेड भी आता है, इससे बड़ा भी आता है। अभी दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन सा माल पड़ा है, आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ें बहुत बिकती है, इसमें अच्छी आपकी सेल होगी, इनकम भी अच्छी होती है। ये 60 रुपये पैकेट लिखा है, आप इसे लूज भी बेच सकते हो 10 रुपये का एक, और पैकेट बिकता है 60 लिखा है तो 50 का भी दो, लूज आपका 10 रुपये का बिकेगा। फिर ये कैप हो गई, ये 3 नंबर कैप, ये कैप आप पैकेट पैकेट मिलेगा आपको, लूज नहीं मिलेगी। अब मेरे को ऐसे होते हैं किसी में 12 वाला पैकेट भी आता है, 24 पीस वाला पैकेट भी आता है। आप ड्रेस व्रेस ना रखना, मैं आपको बताऊँ लॉस में जाओगे, बड़ा पंगा आता है ड्रेस का। ड्रेस ना रख के आप सिर्फ कैप रखो, कैप आपकी 20 रुपये 30 रुपये अलग अलग रेट की होती है, बिक जाएगी। ये वही बैल होगी, ये थर्माकोल पिछले साल में बहुत माल लाया था। ये एक हो गया इस तरह का मिक्स, ये देखिए इसमें आपको जैसे है ना बच्चे अलग अलग लेते हैं, ये आता है बिल्कुल मिक्स। जैसे एक और आपको दिखाया था मैंने, ये मिक्स है ऐसा, ये मिक्स आता है, ये भी 60 लिखा 50 तक सेल हो जाता है, ये इस तरह का। फिर आगे ये सितारे देखो, फिर आता है ये स्टार, ये देखिए इसमें गोल्डन भी मिलेंगे, सिल्वर मिलेंगे और भी अनेक कलर मिल जाएंगे, लेकिन आपने गोल्डन और सिल्वर पर ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी है कि मिक्स वाले मिल जाते हैं, जैसा आपको मिले उस हिसाब से ले लो। इसमें छोटे भी आते हैं, मैं तो मिक्स करके लिया था जैसे जैसे सामान मेरे को मिला। अब ये थर्माकोल की बेल आ गई है देखिए। अब मैं आपको बता दूं इस चीज़ में, ये जो है ना इस तरह के बड़े बड़े, ये थोड़े कम बिकते हैं पिछली बार, आपको ज़्यादा लेना है इस तरह की हो गई। और ये बॉल भी बिकती है, कम बिकते हैं बिकती है, लेकिन ये वाली बेल भी बिकती है, ये कम बिके थे ये वाले। इसमें आप छोटे वाले मिक्स लाओ ज़्यादा बेटर रहेगा, ये कम बिके थे मेरे से, सिंगल भी आते हैं छोटे वाले, वो ले आओ। जैसे ये साइज बीच में दिख रहा है आपको, और ये डमरू हो गए, ये हो गए, ये देखिए। ज़्यादा महंगी वैसे आइटम नहीं, अगर आपको थोड़ा रुक बिका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनकम अच्छी दी जाती है चीज़ें। अब ये हो गए सेंटा क्लॉज रेड कलर के जो आपको बता रहा था, ये भी 10 रुपये का सेल होता है। इसमें थोड़ा सा बड़ा भी आता है, बड़ा होगा तो दिखा देता हूँ, वरना आपको मार्केट में दिख जाएगा। मेरा पर्पज़ होता है आपको सामान दिखाना, ठीक है। ये भी स्टिकर देखो पिछले साल के पड़े हैं, बीके इनते स्टिकर पर कमात रखना। ये छोटे स्टार हो गए, ये देखिए ये अलग तरीके का पैकेट हो गया मिक्स वाला। ये आगे डमरू जो मैं आपको दिखा रहा था, इसका डमरू भी लूज लूज सिंगल सिंगल बिकता है, ये देखिए ये भी 10 रुपये का बिकेगा, जो ये साइज है। फिर इस तरह की छोटी बॉल्स आ गई है, जैसे अभी मैंने आपको बड़ी बॉल दिखाई थी ना, ये वाली, ये छोटी बॉल्स है। रेट मेरे ख्याल से ये मैं 25 रुपये की एक बेची थी पिछली बार ना, 25 या 30 रुपये की एक, और ये वाली 15 रुपये की एक बेची थी, ये वाली। ये देखिए काफ़ी आइटम है इसमें, बहुत आइटम आते हैं। ये देखिए गोल्डन वाला आ गया स्टार जो मैं आपको बता रहा था, सिल्वर दिखाया था ना अभी आपको मैंने, अब ये गोल्डन आ गया इसका। आपको आइटम दिखा रहा हूँ कि आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ हमने लेनी है। आप क्या चीज़ देखिए, ये और बोल है, लेकिन मैंने इनकम अच्छी करी थी। आपको सीजनी माल में क्या होता है, स्टार्टिंग में इनकम अच्छी लेके चलो, बाद में रेट गिर दो, लेकिन स्टार्टिंग में इनकम अच्छी लेके चलो, तभी आप सक्सेस होगा, वरना कुछ लाभदायक होगा, वरना नुकसान होगा, वरना आप लॉस पे जाओगे। ये छोटे गिफ्ट हो गए, इसको गिफ्ट कहते हैं गिफ्ट, ठीक है। और अभी तो आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन, ये आता है पत्ता। अब ये दिखा दूँ, ये आता है पत्ता, देखिए इस तरह का पत्ता, ये 30 रुपये का एक सेल होता है। इसमें टॉफियाँ दिख रही हैं, ये सब थर्माकोल की आइटम है। आप सोचो इसके अंदर टॉफी होगी, सब थर्माकोल है, उसके ऊपर पन्नी चढ़ी है, घंटियाँ आए हैं, ये इस तरह का। छोटे बच्चे इस तरह का लेके जाएंगे, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, जो बड़ी क्लास के बच्चे होंगे उनको ट्री बनाना पड़ता है, उसमें काफ़ी सारी आइटमें डालनी पड़ती है, तो सब बच्चे पैसे मिला के काम करता है, तो ज़्यादा अच्छा माल लेके जाते हैं। कम से कम बच्चे मिला के कई बार तो 300-400 का ले जाते हैं। फिर ये वाला जो है ये 30 रुपये का एक सेल होगा। इसमें कोई देखो मैरी क्रिसमस वाला भी है, अलग अलग डिजाइन है इसमें, ये 30 रुपये के सेल का। ये पत्ता भी आपने लाना है। फिर आ गई ये घंटियाँ जो मैंने दिवाली पर भी आपको बताई थी, ये वाली घंटियाँ, ये भी चलती है। ये तो 12 महीने रखो, कभी भी आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ बनाने का आ जाए तो उसमें चलती है। इस तरह की घंटियाँ दिख गई, ये घंटियाँ, ये मैं 3 रुपये की एक सेल करता हूँ और 5 रुपये की दो। ये देखिए ये आ गया बड़े वाले सेंटा क्लॉज भी, ये देखिए 120 के छः, ये 20 रुपये का एक सेल होगा, 20 से 25 रुपये का एक सेल होगा। 30 का भी सेल कर दो आराम से हो जाता है ये, क्योंकि ये बहुत जो छोड़िए है बहुत छोटा है 10 वाला, ये 30 का भी सेल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में रेट थोड़े अच्छे लगो, लेकिन ग्राहक ना वापस जान दो, 30 का 25 का सेल कर सकते हो आराम से। मेरे को पूरा ध्यान देना कोई चीज़ कितनी कहती, थोड़ा थोड़ा ध्यान है। अब अगले आइटम और दिखाता हूँ, ये चीज़। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है भाई, ये सबसे मेन चीज़ है क्रिसमस की स्कूलों में जाने के लिए, ये एकदम जानी शुरू होगी। और ये तो मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ बहुत मेन चीज़ है। अब आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है, ये देखिए, ये इस तरह की दिखने की आइटम है। ये देखिए ये झालर होती है क्रिसमस की। इसमें बहुत सी वैरायटी आपको मिलेंगी,
लेकिन मैं सिर्फ यही लाया था और उसके बावजूद भी माल बचा हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादा लाया था। लेकिन आप इसमें एक कलर ये एक कलर दूसरा ला सकते हो। ये स्कूलों में मंगाई जाती है, स्कूलों में मंगाते हैं बच्चों से ना। जैसे अब मैं बताऊँ, मेरे तो आस पास एक स्कूल है जो क्रिश्चियन स्कूल है, सेंट मैरी, तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा है। अब आपके आसपास क्रिश्चियन स्कूल है नहीं है, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, लेकिन सामान तो जाएगा ही जाएगा। तो ये झालर है, ये देखिए, ये 30 रुपये की एक सेल करता हूँ, 30 से 40 की, मेरे को पूरा पर्पज ध्यान नहीं है, 30 या 40 रुपये की सिंगल पीस सेल होता है ये। ये देखिए, लानी तो पड़ेगी लेकिन क्रिसमस का सामान। तो अब बच्चे तो रहते ही हैं किसी और स्कूल के होंगे, लेकिन मेरे आसपास क्रिश्चियन स्कूल है तो थोड़ा ज़्यादा बिक जाता है, तो जहाँ क्रिश्चियन भी लोग भी रहते हैं तो वहाँ ज़्यादा आइटम बिकेगी। लेकिन रखनी पड़ती है, स्कूलों में ये चीज़ें जाती ही जाती है, माल आपका बचेगा तो बता दूँ, ऐसा नहीं प्रॉपर सारा बिकेगा। फिर और आइटम दिखाता हूँ आपको, क्रिसमस ट्री, ये देखिए छोटे साइज का ट्री है, देखिए इसके अंदर ये इसको लगाने वाले ये भी है, पूरा ऐसा पन्नी में आएगा ये। एक ये है छोटा, सॉरी ये 50 रुपये का बिक्री का छोटा है, और इसका ये 100 रुपये का बड़ा है, 100 लिखा है तो इसे 80 तक बेच सकते हैं हम, और 50 वाला 45-40 तक आराम से, वैसे 50 ही बेच दो बिक जाता है छोटे वाला 50 का। तो क्रिसमस ट्री है, मैं इसके बारे में बता दूँ, कहीं आप इसे 10-10 पीस उठा लो, 2-2 पीस बहुत है, छोटे के 2, छोटे के 3 उठा लो, बड़े के 2 उठा लो, बस इससे ज़्यादा मत उठाना। आप सोचो कि मैं पूरे बंडल 12-12 पीस का उठा लो, जो बता रहा हूँ क्वांटिटी अपने लिमिट के हिसाब से रखना। ये 3 पीस उठा लो छोटे, और बड़े 2, इससे ज़्यादा मत उठाना। अब देखो, पिछली बार क्रिसमस के मास्क भी लाया था, ये बिल्कुल ना उठाना। कोई नहीं, बिकते कोई करता बिक गया, बाकी पड़े रहेंगे ये मास्क। दाढ़ी मूछ भी पड़ी होगी इसमें मेरे पे क्रिसमस की, शायद दूसरी पेटी पड़ी होगी, दाढ़ी मूछ भी आती वो भी रखी थी, तो बिकती भी है दाढ़ी मूछ, नहीं भी बिकती। मैं 3 पीस लाया था, उसमें 2 पीस बिके थे, और कई बार नहीं भी, अपने अकॉर्डिंग देखो, मेरा मोटिव सामान दिखाना और बताना भी। लेकिन दाढ़ी मूछ हो गई, इस तरह के मास्क हो गई, कम बिकती है आपकी, बिकेंगी तो कैप ड्रेस भी ना रखना। अब ड्रेस में क्या होता है, बच्चों के नंबर होते हैं, मैं आपको बता दूँ, ये 0 नंबर है, ये 4 नंबर है, इसमें 1 नंबर भी पड़ा था, तो क्या लॉस हो, ये सारा नुकसान है, संभाल कर रखो साल भर। ड्रेस में क्या, वो कहता है भैया फिटिंग नहीं आ रही, पजामा छोटा है, जैकेट की बाजू छोटी है, कैप फिट नहीं आ रही, बड़ा पंगा बैठता है। तो ड्रेस तो आपने बिल्कुल नहीं लानी, ठीक है, आपने लानी है तो सिर्फ कैप। कैप में 0 नंबर बहुत कम बिकता है, मैं आपको बता दूं, कि आप 0 नंबर लो, आप लो मीडियम साइज़ की, एक तो 3 नंबर बिकती है, और मुझे देखो प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा कौन सा नंबर था जो ज़्यादा बेचता था, मेरे ख्याल से 5 या 6 नंबर था ये होता है वो शायद, एक पीस बचा हुआ। ये देखिए मीडियम साइज़ है, ना बड़ा ना छोटा, मतलब आपने जो लानी है ना कैप, वो ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी, एक तो मीडियम और एक थोड़ी छोटी, बस होते 2 तरह की लाना, ज़्यादा मत लाना। 20 से 30 रुपये की सेल होती है कैप, ठीक है। ये क्रिसमस का सामान था, ये इस तरह के होता है, 30 रुपये का सेल का, ये पैकेट है टॉफी का, ये बैल है, ये बॉल है, और ये गिफ्ट है, इसके अंदर ये सारा सामान पड़ा है। इस तरह की बॉल्स भी है, देखिए ये थोड़ी अलग टाइप की बॉल्स है, मैं काफ़ी सामान लाया था, काफ़ी बच भी गया, लेकिन मैं इनकम अपनी निकाल लेता हूँ स्टार्टिंग में ही। अब ये पिछले साल का सामान था, अब इसे पैक करके रख दूंगा, क्योंकि अब थोड़े दिन में बिकना ही शुरू हो जाएगा, फिलहाल तो पैक करके से रख दूंगा। अभी तो आप सोच रहे होंगे वीडियो खत्म हो गई, अब तो मेन आइटम अभी आपको बतानी है, मैंने 2-3 आइटम रह गई है, तो आपको सामान दिखाया, क्या आपको लाना है, क्या नहीं लाना, कितना लाना, वो बताया। फिर रहते हैं गुगली आइज, स्कूलों में क्या होता है सेंता बनवाते हैं, तो आग तो लगानी होगी, तो गुगली आइज, ये देखिए ये गुगली आइज, इसमें छोटे बड़े साइज आते हैं, वो भी आता है छोटा साइज बड़े साइज वाले मिक्स पत्ते, या ऐसा कोई सा भी अपना गुगली आइज वाला पत्ता लिया है, मिक्स वाला हो मिक्स वाला लिया, इसमें छोटा मिले, लेकिन कई बार छोटा भी बच्चे मांग लेते हैं, ज़्यादातर ये मीडियम ही बिकता है। फिर जो आपको बता रखे दिवाली बिकते हैं, ये कॉटन आपने लाना है 10 रुपये वाला, ये 5 वाला है कम बिकता है, 10 वाला कॉटन का क्या है, सैंता बनवाते हैं स्कूल में, और छोटी छोटी आँखें लगवाते हैं, तो वाइट कलर का सैंता बनवाते हैं। अब पिछली बार तो गई थी पता नहीं, लेकिन आपको मेरी थोड़ी बहुत ही बिकी थी कॉटन, ज़्यादा नहीं बिकी थी, लेकिन थोड़े बहुत पैकेट लिया ना, आपकी मर्जी हो लिया ना, कैसी ज़बरदस्ती बात नहीं, क्योंकि ये तो किराना स्टोर पर भी लोगों को मिली जाएगी कॉटन, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती है कि आपने रखनी ही रखनी है कॉटन, ये तो मेरी बची हुई थी तो पड़ी भी है काफ़ी, लेकिन कोई ज़रूरी वाली बात नहीं कि आपने ज़रूरी कॉटन लेके आए, लेकिन हो तो ज़्यादा बेटर, ना हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि कस्टमर जाएगा, कस्टमर किराना स्टोर से भी कॉटन लोगों के घर भी पड़ी होती है ऐसे लोग कॉटन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आम लोग के घर में पूजा तो होती है तो कॉटन पड़ी होती है, तो यह कि वरना वो किराना स्टोर से 10 रुपये वाली खरीद लेता है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने पर्टिकुलर इसको लानी ही लानी है, या कि दिखाना मेरा फ़र्ज है इस पर। फिर एक ये ब्लैक बटन ढूंढ के निकालना है, ये देखिए, अब आपको कहोगे ब्लैक बटन का क्या काम है, बटन ब्लैक ही लाना है, इसका क्या है, सैंता बनवा के ना, हाथ भी गंदे हो गए मिट्टी पेटी में निकाल के, सैंता बनवा के उसकी आँखें उखे बनवाते हैं क्या, ये देखिए हाथ बिल्कुल बंट गया मिट्टी में, सारे ख़राब हो गए तो ऐसा ब्लैक बटन ला के रखने हैं, ज़्यादा ना लाना, 20-25 पीस लिया ना,
₹1 का एक सेल होता है ये। तो ब्लैक बटन क्या है, अब बंदा ब्लैक बटन लेने आएगा, ना मिला ना वो फिर कहीं और चला जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं अपनी दुकान पर रखता हूँ। मेरी दुकान एक ऐसी है कि बंदा को सबको पता है कि यार स्टेशनरी की ये ऐसी दुकान है जहाँ सब कुछ मिलता है। हमें हर चीज़ में मुनाफा या क्वांटिटी नहीं देखनी है, ये देखना है कि हाँ हमारा कस्टमर एक के साथ दूसरी चीज़ लेके जाएगा। मानो सेंटा क्लॉज का सामान लेने आया, एक बटन है, ना मिला तो क्या क्या भैया पहले बटन पता कर लूँ, फिर मैं आगे से देखूंगा कहीं और सामान मिल जाए। तो अगर आप पे बटन मिल गया तो बाकी वो और जो सेंटा का सामान है सारा का सारा गिफ्ट वगैरह जो मैंने भी आपको दिखाए थे वो सब सामान आपसे लेके जाएंगे। तो एक एक छोटी चीज़ से ही कस्टमर बनता है, इसे कस्टमर कटता है। अभी एक आइटम और आपको दिखा देता हूँ, ये तो सेंटा क्लॉज एक अलग आइटम है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये आइटम आजकल बहुत बिक रही है स्कूलों के लिए। अब आइटम आपको दिखा देता हूँ ये क्या है, आप सोचोगे बड़ी ऊट पटांग आइट में दिखाता है, लेकिन ये मेन आइट में दिखा रहा हूँ, बहुत मेन आइट में जो आज सिर्फ मेरी दुकान में मिलती है। ये लोग ध्यान नहीं देते ना, मैं भेजता हूँ इन चीज़ों को, बच्चे आपसे कहेंगे भैया बटन दे दो, आप क्या करोगे? अभी मैंने जैसे ब्लैक बटन दिखाया, आप वो बटन वाला पैकेट दे दोगे, वो कहेंगे नहीं भैया बटन चलने वाले जलाने वाले बटन, आप कहोगे जलाने वाला बटन क्या है, इसके अंदर है जलाने वाला बटन, वो भी आपको दिखाता हूँ। भैया मेरी वीडियो में एक से एक चीज़ें मिलेंगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते, मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ जो बहुत कम स्टेशनरी की वीडियो मैं कई बार देखी है, बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती है कि ऐसा भी कुछ होता है। वो तो दिखाएंगे भैया हम ये सामान लिया है, हम आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे डॉम्स के सामान की। अरे अनबॉक्सिंग का तेल लेना है क्या, हमें चाहिए काम, हमें चाहिए सामान, हमें करना है बिजनेस, हमें कमाने हैं पैसे, हमें क्या किसी की अनबॉक्सिंग देखनी है। सब अनबॉक्सिंग तो बैठ के साली देख लेंगे जिसकी मर्जी, लोग अनबॉक्सिंग दिखाते समझ नहीं आता क्या मिलता है अनबॉक्सिंग दिखाने में। अनबॉक्सिंग उसकी दिखाओ जो नई चीज़ आई है, वो तो मानता हूँ हाँ भाई ये नई चीज़ लो, जो इसकी अनबॉक्सिंग देखो ठाक है, पति पुरानी पुरानी किटें की अनबॉक्सिंग कर देंगे, क्या क्या करते रहेंगे, ग्लू तक के खोल के दिखा देंगे। ठीक है अब आपको बटन दिखाता हूँ क्या चीज़ होती है, ये खुल जा तिम तिम खुल जा, ये है बटन। क्योंकि ये तो सेल आ गए घड़ी के, तो भैया यही बटन है, और आपको बता दूँ इसमें कौन सा बिकेगा। एक तो ये घड़ी के सेल जो होते हैं, घड़ी में जो सेल डलता है ना, एक तो ये वाला, ये ₹10 का एक बिकता है ये वाला, ये कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आप लाओ, इसमें हल्की क्वालिटी भी चल जाती है, बच्चों के सिर्फ प्रैक्टिकल करना होता है। इसमें मेरे पे ₹10 से लेकर 20, 30, 50 वाला सब पड़ा है। ये 10 वाला हो गया, ये देखिए ₹50 वाला, वो ₹30 वाला, ये 30 लिखा है खांदी बहुत, और ये देखिए ₹50 वाला, ₹50 का एक है ये, क्वालिटी देखिए, देख के पता लग जाएगा आपको, ये देखिए कैसी क्वालिटी है, और ये देखिए तो क्वालिटी है, लेकिन बिकेगा आपका 10 वाला ही, और एक बिकेगा आपका ये वाला LR44। ये देखिए LR44, ये ₹10 का एक बिकेगा ये भी। LR44 क्या है मैं आपको बता दूँ, एक तो लेज़र लाइट जो होती है, ये वाली लेज़र लाइट जो होती है इसमें भी लगता है LR44, और ये छोटी छोटी टॉर्चें होती है इसमें भी लगता है, और जो बच्चों के जूते ना लाइट वाले जो जूते होते हैं उसमें भी लगता है। तो LR44 ये बिकता है, ये देखिए LR44, ठीक है देख लीजिए, ये भी ₹10 का एक बिकता है, ये सेल आपको लाने हैं। जैसे हम 9 वोल्ट की बैटरी रखते हैं ना, ऐसे प्रैक्टिकल के लिए ये भी चलने लग गया, बच्चे इसको बटन बोलते हैं, तो ये प्रैक्टिकल अब यूज़ होता है। ब्लैक वो बच्चे बटन बोल के लेंगे, तो अब कल यही हुआ कि बच्चे मांगे बटन, मैं बटन ढूंढ के दे, कह रहे भैया वो चेंज जलाने वाले बटन, मैंने कहा अच्छा सेल मांग रहे हैं, फिर उनको ये सेल दिए मैंने। अब बता दूँ न्यू ईयर का सामान, न्यू ईयर में देखो आर्ट, अच्छा एक ये भी दिखा दूँ, ये गिफ्ट भी ऐसा भी आता है, देखिए एक पीस पड़ा मेरे बच्चा भाई, देखिए बस वो है कि वो पैकेट में थे, ये इस तरह के बॉक्स में आता है, लेकिन सब लिमिट में लाना है। मैं बताऊँ कहीं बहुत सारे लिया, शुरू में सबके 4-4, 5-5 पीस लाने हैं, जो इस तरह के मिक्स वाले होते हैं, और जो सिंगल है ना उनके 2-2 पैकेट लाने हैं, मतलब 6-6 पीस के दो होते हैं, 12 पीस हो गए, तो ज़्यादा भर के मत लाना, बच गया तो फिर नुकसान में रहोगे। जैसे जैसे बिकता रहे वैसे वैसे लाते रहो, तो स्टार्टिंग में अपने लिमिट में लाए, जैसे इसके हो गए 3 पैकेट वाले अलग अलग हो गए, 3-3 तरह के काफ़ी सारे आता है, तो सब मिक्स 2-2, 3-3 करके सब मिक्स वाले पैकेट ले लो, और बाकी जो होता है वो 30 वाला आपको दिखाया जिसमें टॉफ़ी लगी थी, 30 वाला वो पैकेट ले लो, एक पत्ता आएगा, और बाकी स्टार वगैरह वो अलग अलग अपने हिसाब से ले लो। बाकी पॉम पॉम आपको दिखाई थी, ये न्यू ईयर पे क्रिसमस पे चलती है बहुत, मैं बता दूँ ये पॉम पॉम, इसमें ये वाली बता रखी है आपको, जो प्लास्टिक कैंडल वाली है 70-80 रुपये सेल होती है, और एक आती है लकड़ी की डंडी की हैंडल वाली, वो इससे छोटी होती है, वो 30 रुपये का सेट जोड़ा जो है वो 30 रुपये का सेल होता है, ये 70-80 रुपये का जोड़ा सेल होगा ये पॉम पॉम। बाकी न्यू ईयर पे आर्ट एंड क्राफ्ट का ही होता है, कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं, या कि डांस कॉम्पिटिशन हुआ तो ये भी चल जाते हैं, क्रिसमस भी चलेंगे, ज़्यादा कुछ न्यू ईयर पर क्रिसमस का है जो मेन चलता है वो आपको मैंने बता दी। तो दोस्तों आपको मैंने डिटेल में वीडियो बना के दी क्रिसमस की, सामान अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल एक लिमिट में लेके चलना, क्योंकि क्रिसमस का शुरू में ही 2-3 दिन चलता है। बाकी टोपियां बिकती रहती है, टोपियां आप लो, टोपियां बिकेंगी आपकी, उसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं फंसने वाला, कोई महंगी नहीं होती, लेकिन मार्जिन अच्छा मिल जाता है टोपी में ना, अच्छा मिल जाएगा। और टोपियां भी मेरे पास बची पड़ी है, ड्रेस मैंने पिछली बार बेची थी, मैं 6 जोड़े लाया था, इसमें 3 मेरे पास पड़े हैं, 3 ही बिके थे, उसमें भी क्या होता बोलते बोलते खराश हो रही,
उसमें भी होता है भैया टोपी छोटी है इसकी, इसकी बाजू छोटी है। जब ये जन्माष्टमी की ड्रेस होती है उसमें पंगा होता है, तो ये ड्रेसों में रहता ही रहता है। तो ड्रेस ना लाना, या कि कई दुकानदार लाते हैं, आपकी मर्जी है लाओ ना लाओ। कोई आपसे मंगाए कि भैया इस बच्चे की ड्रेस ला दो, इतने ये बड़ा बच्चा है, तो ऑर्डर पे ले आओ किसी के पैसे लेके, वैसे ना लाना। और टोपी और जो क्रिसमस ट्री है ना, जो क्रिसमस ट्री है वो ऐसे नहीं आप ला के दुकान पे रख दो, उसे काउंटर पे सजाना पड़ता है, खोल के स्टैंड बना के कस्टमर को दिखे कि क्रिसमस ट्री भी इनके पास है। उसमें आपको छोटे छोटे बोल वगैरह लगानी पड़ेगी, एक छोटा ट्री या बड़ा ट्री आपको तैयार करके रखना। ऊपर पे पड़ी हुई चीज ना बिक जाती है, दूर से दिख जाती है आते, तो यार ये चीज है। टोपियां भी आपको टांग के रखनी पड़ेगी ऊपर, ऐसे नहीं आप काउंटर पे रख दो, उसको भी किसी से टांगनी पड़ेगी काउंटर पे ऊपर, ऐसे नहीं काउंटर पे रख दो कहीं भी, उसे टांग दो, दूर से देख देंगे यहाँ टोपियां भी इन पे, तो माँ बाप आएंगे वो देख के लेंगे, वो नहीं दिखेंगे ना वो आगे ले लेते हैं लोग, टांग के ही चीजें बिकती है आजकल। देखो मैंने पीछे दिख रहा है कि कई चीजें डिस्प्ले कर रखी है, बैडमिंटन बिकेंगे तो मैंने बाहर टांग रखे है। डिस्प्ले आपको हर चीज का करना जरूरी है, जो दिखेगा वही बिकेगा, जो नहीं दिखेगा वो बिल्कुल नहीं बिकेगा। भाई आप भी मार्केट जाते हो, आपको दिखेगी यार वो चीज टंगी, यार ये चीज अच्छी लग रही, चलो ले लो, और फिर ये चीज तो फिर भी स्कूल की आइटम है। तो आते आते लोग जैसे पेरेंट्स को फोन किया पापा को, बच्चे ने कि पापा टोपी लानी है, आते हुए लेते आना। तो वो जब जाते हैं ऑफिस से अपने घर या दुकान से घर, तो देखते हैं भैया टोपी लेके जानी है, तो वो कैप लेके जाते हैं, तो चीज़ दिखेगी तो वो रुक जाएंगे भाई पे, हाँ यार चीज़ टंग रही है। तो चीज़ें आप डिस्प्ले करके रखो तभी बिकेगी। आगे सारा सामान आपको जो ट्री है वो आपको सजा के रखना पड़ेगा, उसमें चार पाँच बोल्ड स्टार वगैरह की, हाँ ये चीज़ बिकती है, तो ये चीज़ें आपकी बिकेंगी। और एक स्टार भी आता है पेपर का बड़ा सा स्टार, जैसे हम दिवाली पे हमारा पन्नी वाला स्टार आता है ना, चमकीली पन्नी वाला बड़ा सा टांगते हैं, ऐसा कागज का पेपर का भी आता है, तो वो भी बिकता है। वो मैं ज़्यादा नहीं लाता, मैं छः पीस लाया था, छः के छः मेरे बिक गए थे, तो वो लेकिन आप जो ऐसे फोल्ड करके उसे स्टेपलर करना होता है, वो बिल्कुल प्रेस आता है फोल्ड, आपको उसे खोल के स्टेपलर करके उसे टांगना पड़ेगा। मैं टांगे थे स्टार तो बिक गए थे, स्टार मेरे पे ख़त्म था, वो अच्छे बिके थे। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, वीडियो भी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। भाई खांती बहुत हो रही है, बैंड बजा पड़ा है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय श्री राम।